أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم डियर व्यूअर्स, आपको जुरस प्लैनेट के चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम में इस्लामिक लीगल सिस्टम और उसके अंदर जो सोर्सेज ऑफ लॉ में कयास को डिस्कस करेंगे। कयास के जो लिटरल मीनिंग है वो बेस्ट टुगेदर, एक साथ अच्छा होना, मेजरमेंट पमाइश के हैं, नापने के हैं, एकॉर्ड इतफाक राय के हैं, इक्वलिटी बराबरी के हैं। तो ये इसके बेसिक मीनिंग मौजूद हैं कियास के। कियास को हम मेजरमेंट में भी कह सकते हैं, मफरूज़ा भी कह सकते हैं, और इसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि किसी एक मामले की एक्सटेंशन ऑफ लॉ, सिंपल अगर अल्फाज में कहें एक्सटेंशन ऑफ लॉ है, यानी कि एक मामला एक कानून जो मारज़ वजूद में आ गया, उसमें जो रीज़न है, उसमें जो फैक्टर है जिसकी वजह से वो लॉ बना, उसको एक्सटेंड किसी दीगर चीज़ के ऊपर भी कर देना, यानी कि उसको बढ़ा देना किसी दूसरे। कानून पहले से मौजूद है, उसी कानून के बिना के ऊपर, उसी कानून का जो थीम है उसके बिना के ऊपर किसी नई चीज़ को उसमें एंटर कर देना, ये कियास कहलाता है, एक्सटेंड कर देना कियास कहलाता है। तो कियास बेसिकली इस्लामिक लीगल सिस्टम के अंदर ये फोर्थ बेसिक सोर्स ऑफ लॉ है। कुरान सुनना इजमा के बाद जो सबसे बड़ा सोर्स है वो कियास है, और ऑलमोस्ट इसमें तमाम मकासिद व फिक्र इस पर भी इत्तफाक राय रखते हैं, कियास के ऊपर भी इत्तफाक राय रखते हैं, ऑलमोस्ट रखते हैं। तो मैंने कहा कि इम्पॉर्टेंट सोर्स है, इसमें जो बेसिकली जो मामला होता है वो डिसाइड किया जाता है किसी प्रॉब्लम को एनालिटिकल डिडक्शन से, किसी भी मामला को डिसाइड किया जाता है एनालिटिकल डिडक्शन फ्रॉम नाउन टू अननाउन, यानी कि अगर कोई मामला जो वाज़े सूरत में कुरान सुन्ना में मौजूद है, कोई मामला वाज़े सूरत में मौजूद है और उसी से मिलता जुलता दीगर मामला, उससे मुतलका हमें वाज़े रहनुमाई कुरान और सुन्ना में अगर नहीं मिलती, वाज़े अल्फाज के अंदर मफहूम तो मौजूद है, वाज़े अल्फाज के अंदर स्पेसिफिक वर्ड्स के अंदर अगर कोई रहनुमाई नहीं मिलती, या कोई रहनुमाई को भी छोड़ दें, अगर कोई स्पेसिफिक वर्डिक्ट नहीं मिलती, स्पेसिफिक अगर कोई हुक्म नहीं मिलता, तो फिर क्या करते हैं कि हम डिस्कवर करते हैं न्यू लॉ को, हम डिस्कवर करते हैं न्यू लॉ को। तो ये बन गया कि ये एक डिडक्शन है, एनालॉजिकल डिडक्शन है फ्रॉम नाउन टू अननाउन, यानी कि मालूम चीज़ से गैर मालूम चीज़ को दरियाफ्त करना का नाम जो है वो कियास है। और कियास जो है ये एक्सटेंशन है, वसत है फ्रॉम दी ओरिजिनल टेक्स्ट, यानी कि जो असल कानून है, असल कानून को वसत दी जा रही है, उसको बढ़ाया जा रहा है, उसको एक्सटेंड किया जा रहा है, और ओरिजिनल जो कानून है, ओरिजिनल जो इलम है, उसमें इसको इजाफा किया जा रहा है, ये एक्सटेंशन है। और यहाँ पे ये याद रखिएगा, ये न्यू लॉ नहीं है, ये जो पुराना हुक्म है जिसको आप ओल्ड लॉ आप कह लें, या आप कुरान पाक का टेक्स्ट है जो असल टेक्स्ट है, असल का नाम दे लें, जो असल हुक्म है उसमें एडिशन नहीं है बल्कि उसमें एक्सटेंशन है। अगर मैं एक सिंपल वैसे दुनिया के लिहाज से अगर एग्जांपल दूं, अगर शराब हराम की गई है, तो अब मेन चीज़ है शराब हराम की गई है, अब शराब में हराम करने की क्या रीज़न है, क्या वजूहात है, इसमें जो वजह है वो है नशावर चीज़, कि ये पी लेने से इंसानी जो दिमाग है वो मफलूज हो जाता है, उसको अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं रहती। तो अब क्या होगा कि हर वो चीज़ जो ममनू है, ममान्य है, जिसको इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करता, तो हर वो चीज़ जो दिमाग को मौव कर दे, जो आपकी अक्ल को फॉर अ टाइम भी सस्पेंड कर दे, तो हर वो चीज़ मेन कानून जो शराब को हराम दिया गया, उसकी वजह से दीगर मामलात में जो कवानीन है वो भी ज़िम्मन में एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अब हर वो चीज़ जिसमें ऐसा इंग्रेडिएंट होगा जो आपके दिमाग को नुकसान पहुँचाए, ठीक, चाहे आपकी यादाश्त को
आपकी अक्ल को मफलूज कर दे, तो ऐसी दवाई ऐसी मेडिसिन लेने से रोक दिया जाएगा। मेडिसिन के मतलब तो थोड़ी सी एक्सेप्शन अवेलेबल है, लेकिन मशरूब के तौर पर या वैसे अगर इसको इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर इस चीज़ को रोक दिया जाएगा कॉमन इल्लत की बिना पर। अब अगर हम इसकी लीगल सेंस में देखें तो लीगल सेंस में ये मुकम्मल कानून की हैसियत रखती है, क्यास जो है वो कानून की हैसियत रखता है, और इसमें जो मैसेज है वो एक्सटेंड कर दिया जाता है दीगर मैटर्स के ऊपर। अब हम बात करेंगे कि जो मुख्तलफ मकातब फ़िक्र हैं वो क्यास से मुतलका क्या राय रखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इमाम अबू हनीफा साहब की। इमाम अबू हनीफा साहब फरमाते हैं कि ये एक्सटेंशन ऑफ लॉ है फ्रॉम ओरिजिनल टेक्स्ट, एक्सटेंशन ऑफ लॉ है फ्रॉम ओरिजिनल टेक्स्ट विच द प्रोसेस इज अप्लाइड टू द पर्टिकुलर कॉज बाय मींस ऑफ ए कॉमन इल्लत और फैक्ट। तो इमाम अबू हनीफा साहब फरमाते हैं कि ये जो एक्सटेंशन ऑफ लॉ है, ओरिजिनल जो लॉ है उसमें एक्सटेंशन है, यानी कि अगर कुरान और सुन्ना में किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर कोई स्पेसिफिक लेजिस्लेशन या स्पेसिफिक हुक्म मौजूद है तो उस हुक्म की बिना के ऊपर जो उसमें रीज़न है उस रीज़न की कॉमन रीज़न के बिना के ऊपर उस हुक्म को दीगर मामलात के ऊपर भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा, इसको क्यास कहते हैं। तो बेसिक चीज़ क्या आएगी, कॉमन थिंग जिसको इल्लत का नाम दिया जाता है, कॉमन लिस्ट का नाम दिया जा सकता है, इफ़ेक्टिव कॉज का नाम दिया जा सकता है, जो अगर कॉमन है इन दो मेन जो टेक्स्ट है उसमें और जो टेक्स्ट इन क्वेश्चन है उसमें अगर वो कॉमन रीज़न एक है तो ओरिजिनल कानून का जो हुक्म है वो उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा ऐसे मामले के ऊपर जिसमें कुरान या सुन्ना में वाज़े अल्फाज के अंदर हुक्म मौजूद नहीं है, स्पेसिफिक वर्डिंग के अंदर उन चीज़ों के ऊपर हुक्म मौजूद नहीं है तो उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। बतौर मुसलमान तो हम ईमान रखते हैं कि कुरान और सुन्ना जो है, कुरान वो पूरी दुनिया के लिए वो रहनुमाई है, उसमें हर एक मौजू का हल है, तो हम भी उसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि कुरान में अगर कोई वाज़े अल्फाज के अंदर कोई हुक्म नहीं मिलता तो फिर कुरान ने क्या फरमाया है, तो फिर जो कुरान ने फरमाया है आज वो हम डिस्कस कर रहे हैं क्यास। तो उसमें जो कुरानी और अहादीस के अल्फाज हैं वो भी हम शामिल करेंगे, लेकिन पहले इमाम अबू हनीफा का हमने वर्जन ले लिया कि वो इस चीज़ को कॉमन लिस्ट और इफ़ेक्टिव कॉज की वजह से ओरिजिनल टेक्स्ट को क्वेश्चन जो इन क्वेश्चन मैटर है उस पर वो एक्सटेंड फरमाते हैं। अब इमाम अबू हनीफा वो भी इसी तरीके से वो कहते हैं कि एक और जो इत्तफाक़ राय है दूसरे मामलात में इफ़ेक्टिव कॉज की वजह से वो दुरुस्त बात है, वो कर लेना चाहिए, यानी कि इफ़ेक्टिव कॉज वो जो वजह है उसको दूसरे मामलात के ऊपर भी एक्सटेंड कर देना चाहिए। इमाम शाफी साहब भी इस चीज़ की तायीद करते हैं। अब इमाम मालिक साहब भी यही फरमाते हैं वो कि जो इत्तफाक़ राय है, जो डिडक्शन है एनालॉजी के है ओरिजिनल टेक्स्ट का, कॉमन इल्लत या कॉमन इल्लत, पहली चीज़ वो इल्लत बताते हैं, दूसरी चीज़ वो इफ़ेक्टिव काज बताते हैं, कि इमाम मालिक साहब फरमाते हैं कि एक कॉमन इल्लत और इफ़ेक्टिव काज की वजह से उस मामले को दूसरे मामलात के ऊपर एक्सटेंड किया जा सकता है। अब इमाम गजाली साहब भी बिल्कुल ऐसा ही वर्जन रखते हैं, वो भी फरमाते हैं कि जो अगर नया लॉ इस्टेब्लिश किया जा रहा है तो नया लॉ जो है वो ओरिजिनल केस के बिल्कुल पैरेलल केस होना चाहिए। इमाम गजाली साहब फरमाते हैं कि जो न्यू लॉ जिसको डिस्कवर किया जा रहा है वो ओरिजिनल लॉ के बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, उसमें कोई नया मामला नहीं होना चाहिए और उसमें जो कॉमन लीगल कॉज है
उसकी बुनियाद के ऊपर नए केस को एक्सटेंड किया जा सकता है, नए केस के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। तो ये कुछ फुकहा जो अपनी राय के आसम कल करते हैं, वो ऑलमोस्ट उनका मैसेज एक है लेकिन एक्सप्लेनेशन का तरीका का थोड़ा बहुत डिफरेंट है, लेकिन उनका जो थीम है वो एक ही है। अब हम देखेंगे कि जो कुरानी आयात में क़ियास के बारे में क्या लिखा गया। तो कुरानी आयात में लिखा गया है, सो आस्क ऑफ दोज हु नो द स्क्रिप्चर, सो आस्क ऑफ दोज हु नो द स्क्रिप्चर इफ़ यू नो नॉट, तो उनसे पूछो जो आसमानी किताब को जानते हैं। इफ़ यू नो नॉट, अगर आप नहीं जानते। तो इसमें इस आयत में हमें वाज़े तौर पर हुक्म दिया गया कि अगर आप नहीं जानते तो इस जो इल्हामी किताब है उसकी जानब जाएं, अगर आप नहीं जानते, या उनसे पूछें जो इल्हामी किताबों का इल्म रखता है। और हमारा स्क्रिप्चर जो है वो ऑलमोस्ट कुरान है, हमारी आसमानी किताब डिवाइन लॉ कुरान है। तो कुरान की रोशनी में कुरान ये फरमाता है, उनसे पूछो जो इसका इल्म रखते हैं, उनसे पूछो जो इसका इल्म रखते हैं। फिर एक आयत में फरमाया गया अल्लाह ताला की जानब से, अल्लाह ताला फरमाते हैं, थिंक डीपली, गहराई में जाकर सोचो, हु आर अंडरस्टैंडिंग, जो समझ बूझ रखते हैं। तो जो समझ बूझ रखते हैं वो उसको बहुत गहराई के जाकर इसको स्टडी करें। अब पुरानी आयात में तो साबित होगा कि क़ियास का मैसेज हमें बरमला मिलता है, और क़ियास की रोशनी में हमें कवानीन को भी दरियाफ्त करना चाहिए। अब अहादीस की रोशनी में डिस्कस कर लेते हैं। अहादीस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आई डिसाइड द मैटर विद माई ओन रीज़न वेन नो रेवल्यूशन कम टू मी, जब मेरी तरफ कोई वही नहीं आती तो मैं अपने इलम से अपनी वजूहात या जो भी लफ्ज़ ले ले कि फिर वो मामला तय करता हूँ। यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अर्शाद फरमा रहे हैं कि जब उनकी तरफ वही नहीं आती तो वो फिर खुद अर्शाद जो है उसका मामला हल करते हैं, उसके ऊपर लेजिस्लेशन करते हैं, हुक्म देते हैं। फिर एक और हदीस है, इफ़ यू डू नॉट फाइंड एनीथिंग इन द कुरान, इफ़ यू डू नॉट फाइंड एनीथिंग इन द कुरान एंड सुन्ना, देन यूज़ योर ओन ओपिनियन, अगर आप कुरान और सुन्ना में कोई चीज़ नहीं देखते तो फिर आप अपनी राय की तरफ तवज्जो दें। तो एक इस ज़िम्मे में बहुत वाक़या भी है, हाँ मेरे जहन में तो एग्जैक्ट उन अल्फाज का नहीं है कि जब एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बना कर भेजा उन शख्सियत को, तो उनसे फरमाया कि आप फैसला कैसे करेंगे, तो फरमाया कुरान को देखकर, सुन्ना को देखकर, और अगर उनसे रहनुमाई वाज़ेह हुक्म की रहनुमाई ना मिले तो फिर अपनी राय से। तो ये टेक्स्ट जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको इसकी इजाज़त भी दी और खुद भी करके दिखाया। इसी सिलसिला में एक वाक़या है, क़ियास के सिलसिला में एक वाक़या है जो कि इसकी एक एग्जांपल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में किसी कबीला की एक औरत हाज़र हुई, हाज़र होकर अर्ज करती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालदा ने हज माना हुआ था, जिस तरह हम कहते हैं कि किसी चीज़ का इरादा कर लेना, मेरी वालदा ने हज का इरादा किया हुआ था लेकिन उसकी डेथ हो गई है, तो अब मेरे लिए क्या हुक्म है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े तहम्मुल से फरमाया कि अगर कोई बंदा फौत हो जाए और उसके ज़िम्मे कर्जा हो तो क्या करना चाहिए। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब क़ियास फरमाया यहाँ पर, यानी कि उस औरत को इजाज़त दी है कि अगर तो कर्जा अदा कर दे, जिस तरह बंदा फौत हो जाए
तो उसके बिहाफ के ऊपर उसके वारसान अगर कर्जा अदा कर दें तो ये जो मरने वाले के ऊपर एहसान होगा, अगर ना करें तो उसके ज़िम्मे नहीं है, यानी उसके ज़िम्मे नहीं है, लेकिन कर दें तो बेहतर है, उसके ऊपर एहसान होगा। तो इस हवाले से इस वाक़या में भी यही मैसेज दिया गया कि अगर वो औरत हज कर दे तो ये उनके लिए बेहतर है, लेकिन उसके ऊपर फ़र्ज भी नहीं है, वो अगर वो करना चाहे तो। वो पैगाम क्यास की सूरत में हमें मिल गया। अब अगर हम इस चीज़ को देख लें कि जो क्यास है, क्यास में कौन से मामलात को बुनियाद बनाया जाना चाहिए, या एलिमेंट ऑफ क्यास की अगर बात की जाए तो वो कौन से मामलात हैं जो क्यास हो सकते हैं, वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके बिना पर क्यास किया जा सकता है, वो कौन से एलिमेंट्स हैं। नंबर वन, टेक्स्ट, यानी कि असल हुक्म मौजूद हो कुरान में या सुन्ना में, हुक्म असल, और फिर उसमें हुक्म मौजूद हो, यानी कि पहली चीज़ आ गई टेक्स्ट मौजूद हो कुरान या सुन्ना की, फिर उसमें हुक्म असल, असल हुक्म मौजूद हो, कुछ स्पेसिफिक वर्डिंग मौजूद हो, और फिर इल्ला, उसमें कॉमन रीज़न हो उस मामला को अंडरस्टैंड करने के लिए, उस हुक्म को अंडरस्टैंड करने के लिए कोई कॉमन रीज़न, कॉमन इफेक्ट, इल्लत होनी चाहिए, इल्लत होनी चाहिए। और वो नया मामला जिस मामले की बिना के ऊपर उस कानून को वुसअत दी जाएगी, तो अब हम देखेंगे कि काइंड्स ऑफ क्यास, क्यास की कितनी इकसाम है। दो इसकी मेजर इकसाम है, एक है क्यास जल्ली और एक है क्यास खफी। क्यास जल्ली में बेसिकली डिस्कस किया जाता है वो मामलात जिनमें मेन टेक्स्ट के अंदर स्पेसिफिक वर्डिक्ट, स्पेसिफिक हुक्म मौजूद है, अपेरेंटली मौजूद है। फिर बता रहा हूँ, क्यास जल्ली वो क्यास है जिसमें जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसके अंदर वाज़े हुक्म मौजूद है और अपेरेंटली वाज़े हुक्म मौजूद है, तो उसको हम क्यास जल्ली कहेंगे। क्यास हफ़ी, क्यास हफ़ी वो क्यास है जिसमें अपेरेंटली जो है इल्लत या कॉमन रीज़न या मेन हुक्म वो मौजूद नहीं है, या जो इल्लत है वो वाज़े अल्फाज के अंदर मौजूद नहीं है, तो या वो महफी है, छुपी हुई या कंसील है, तो उसको क्यास हफ़ी कहा जाएगा। अब क्यास कौन करेगा, उसका क्राइटेरिया क्या होगा, किन सिचुएशंस में क्यास किया जाएगा और किन मामलात में किया जाएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले क्यास कौन करेगा, मुज्तहिद। ऑलमोस्ट जो इजमा वाली क्वालिटीज़ हैं उन्हीं को यहाँ पर भी एक्सटेंड किया जाएगा, मुज्तहिद जो है वो क्यास कर सकता है, एनालॉजी कर सकता है, वो हर उस मामले पर कर सकता है जिसका वाज़े हुक्म या उसका वाज़े एक्सप्रेस या इम्प्लाइड उसका हुक्म मौजूद है कुरान या सुन्ना के अंदर, तो उन कॉमन रीज़न, कॉमन इफ़ेक्ट की वजह से दीगर मामला के ऊपर इसको एक्सपेंड किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है कॉमन इल्लत की वजह से। तो ये इंसानों की, इंसानियत के लिए समझने के मामलात हैं, उसका इल्म रखने के मामलात हैं। जो बंदा कुरान के इल्म के ऊपर अबू रखता हो सिर्फ वो इस चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो आम बंदा इसको नहीं कर सकता। तो ये किसास एक जो है फोर्थ सोर्स है, बेसिक सोर्स है, फोर्थ बेसिक सोर्स है लेजिस्लेशन का, जिसके लिए हम लेजिस्लेट करते हैं इस्लामिक लीगल सिस्टम के अंदर। और ऑलमोस्ट ये आखिरी भी सोर्स है जहाँ पर सारे के सारे जो मुकातबे फ़िक्र हैं वो इत्तफाक़ राय रखते हैं, कुरान सुन्ना
इजमा और कियास के ऊपर। तो आज के लेक्चर में डियर व्यूवर्स, अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट में उसको लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर इस्तेहसान का होगा, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।